करनी माता मंदिर के पास राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ खतरनाक बोर्ड पर केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। गुजरात से पंजाब की तरफ जा रही केमिकल से भरा टैंकर सुबह 11:30 बजे राधा स्वामी सत्संग भवन के पास खतरनाक मोड़ पर गुलाई कम होने के कारण खंभे से टकराकर सड़क की दूसरी तरफ पलट गया। राधा स्वामी सत्संग भवन डेरा व्यास के जसपाल राय गांधी ने घटना की जानकारी पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ के ट्रैफिक को बंद करवाकर सड़क टैंकर केमिकल से भरा टैंकर हटवाने के लिए 3 क्रेन की सहायता से 3 घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को साइड करवाकर यातायात बहाल किया। करनी माता मंदिर के पास सड़क की गुलाई कम होने के कारण बड़े ट्रक टैंकर मोड़ते समय संतुलन बिगड़ने की वजह से डिवाइडर पर चढ़कर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने आए दिन पलटते रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सत्संग भवन में रविवार को सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी दौरान काफ़ी संख्या में महिला पुरुष भी सत्संग में शामिल होते रहते हैं। दुर्घटना से थोड़ी देर पहले ही सत्संग का समापन हुआ था। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन या पैदल संगत के लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।